स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अब हम देख रहे हैं विबी भंडारी का हेलिकल गियर के अंदर एग्जाम्पल 18.5। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो आप देखिए उसको, वीडियो पोस्ट कीजिए, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। और अब इस आई होप कि आपने पूरा पढ़ लिया होगा, तो अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 18.5 हम कर रहे हैं वीबी भंडारी से। सो पढ़ते हैं इसको, क्या देख रखा है, पेयर ऑफ पैरेलल हेलिकल गियर्स। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें कौन सा वर्ड यूज किया है। अब पेयर ऑफ पैरेलल हेलिकल गियर्स यानी हेलिकल गियर्स ऐसा ही बोला है, तो हेलिकल गियर्स, पेयर ऑफ पैरेलल हेलिकल गियर्स बोले या सिर्फ हेलिकल गियर्स बोले, उसका मतलब ये सिंगल हेलिकल गियर का ही न्यूमेरिकल है। उसका मतलब हमें पावर जो दिया वो एज इट इज ही रखना है। पर इसकी वजह, अगर मान लो अभी आपको मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकल आप देखो, निकालो इसी वीबी भंडारी के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 18.6 देखो आप, 18.6 वहां पे उसने वर्ड किया है हैरिंज बोन। तो जब भी आपको हैरिंज बोन या डबल हेलिकल गियर ऐसा आपको वर्ड यूज करे, तो देखो एग्जाम्पल 18.6 आप वीबी भंडारी का निकालो, वहां पे पावर कितना दिए रखा है, 100 किलोवाट। तो अगर आपको हैरिंज बोन या डबल हेलिकल गियर बोले तो आपको यही सेम डिजाइनिंग फॉर्मूला यूज करना है। पर जब भी डबल हेलिकल या हैरिंज बोन ऐसा वर्ड का यूज हो, तो आपको गिवन डेटा में जो भी पावर देके रखा है उससे आप हाफ लेके चलना है। तो एग्जाम्पल 18.6 है, मैं सभी लोगों को रेकमेंड करता हूं कि पहले आप एग्जाम्पल 18.5 सीख लो मेरे साथ, फिर 18.6 मैं आपको अपने हिसाब से विवी भंडारी में से करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो। तो जो 18.6 है वो न्यूमेरिकल है हैरिंज बोन या डबल हेलिकल गियर वाला। तो उसमें पावर आपको देके रखा होगा 100 किलोवाट। तो आपको पावर कितना लेके चलना है, आपको पावर 100/2 यानी 50 किलोवाट लेके, बस बाकी सारा प्रोसेस कैसा रहेगा एज इट इज, तो ये याद रखना। तो अभी मैं 18.6 पे नहीं जाऊंगा, हमारा न्यूमेरिकल है 18.5। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, तो यहां पे क्या दिया था हमें, यहां पे दिया पेयर ऑफ पैरेलल हेलिकल गियर्स यानी सिंगल हेलिकल ही है। तो हमें जो पावर दिया वही एज इट इज लेना है। अगर डबल हेलिकल और हैरिंग बोन ऐसा लिख के आए तब जो पावर दिया है तब आधा करना है। सिर्फ हेलिकल गियर और पेयर ऑफ हेलिकल गियर तो जो भी पावर दिया वही लेके रखेंगे, याद रहा। तो दो ही चीज याद रखनी है, अगर डबल हेलिकल और हैरिंग बोन ऐसा वर्ड हुआ तो हमें जो पावर दिया उसका आधा करना है, अदरवाइज हमें जो दिया वही लेके चलना। तो ये सिंगल हेलिकल गियर ही है, तो हमें जो पावर दिया वही लेके चलना है। अब पेयर ऑफ पैरेलल हेलिकल गियर्स कंसिस्ट ऑफ 24 टीथ पिनियन, तो पिनियन का टीथ 24 देके रखा है, रोटेटिंग एट 5000 आरपीएम, तो पिनियन का आरपीएम 5000 देके रखा है, सप्लाइंग 2.5 किलोवाट पावर, तो पावर हमें देके रखा है, तो एज इट इज ही लेंगे क्योंकि ये हेलिकल गियर है। अगर यही न्यूमेरिकल में अगर डबल हेलिकल या हैरिंग बोन यूज कर देता तो ये पावर में 2.5/2 लेता और बाकी प्रोसेस एज इट इज रहता, लेकिन यहां पे हेलिकल गियर ऐसा ही वर्ड यूज किया है, तो हम सिंगल हेलिकल ही समझेंगे, तो जो पावर दिया वही एज इट इज लेना है 2.5 किलोवाट। आगे पढ़ेंगे, द स्पीड रिडक्शन इज 4:1 यानी वेलोसिटी रेशियो देके रखा है 4:1, ओके डन। आगे पढ़ेंगे, द नॉर्मल प्रेशर एंगल, नॉर्मल प्रेशर एंगल यानी अल्फा एन हमें देके रखा है 20 डिग्री, एंड हेलिक्स एंगल साइन 23 डिग्री देके रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें देके रखी है 750, तो वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा 750/3। ओ हाँ, यहाँ पे पढ़ना है बोथ गियर्स आर मेड ऑफ हार्डनेस स्टील यानी बोथ गियर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो जब दोनों गियर सेम मटेरियल के बनेंगे तो हम किसको वीक लेके चलेंगे, पिनियन को वीक लेके, है ना। तो अगेन मैं बोलता हूँ, स्पर गियर के न्यूमेरिकल आपने पढ़े तभी इसमें आना, अदरवाइज नहीं आना। जिन लोगों ने स्पर गियर न्यूमेरिकल मेरे साथ सीखे हो इनके लिए मक्खन होगा, ठीक है। सो पिनियन हमें वीक लेना है। फिर आगे बोलना है, द सर्विस फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर 1.5 एंड 2, तो सर्विस फैक्टर 1.5 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेके रखना है, ये उसने देके रखा है। द गियर आर फिनिश्ड टू मीट द एक्यूरेसी ऑफ ग्रेड 4, तो ये ग्रेड 4 हमें कहां पे जरूरत पड़ेगी, जब बकिंगहम मेथड का यूज करेंगे तो वहां पे एरर ढूंढनी पड़ेगी, तो हमें एरर वो ग्रेड 4 के हिसाब से डिजाइन डेटा बुक में से उठाना पड़ेगा, तो ये इसीलिए वो देके रखा है। अब क्या ढूंढने के लिए बोला, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द गियर डिजाइन एज्यूम दैट द वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर द डायनामिक लोड, यानी वेलोसिटी फैक्टर मेथड का यूज करके हमें पी इफेक्टिव ढूंढना है। एज्यूम फेस विथ 10 टाइम्स द नॉर्मल मॉड्यूल, तो हमें देके रखा है कि आपको फेस विथ 10 इनटू नॉर्मल मॉड्यूल लेके ले, अगर नहीं भी ऐसा बोल के रखा होता तो आपको बच्चों याद रखना है, अगर उसने नहीं ऐसा दिया होता फिर भी आपको यू हैव टू एज्यूम फेस विथ भी अगर नहीं देके रखी तो 10 टाइम्स नॉर्मल मॉड्यूल, जैसे हम स्पर गियर में लेते हैं वहां पे सिर्फ हम लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या आएगा नॉर्मल मॉड्यूल, इसने ऐसा लिखा, अगर नहीं भी लिखा होता तो यू हैव टू एज्यूम बी इक्वल टू 10 mm, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Assuming the pitch line velocity equal to 10, तो यहां पे velocity हमें देके रखी, आपको velocity 10 ले लेनी है, ठीक है। और
एस्टिमेट द नॉर्मल मॉड्यूल यानी MN फाइंड करना है नॉर्मल मॉड्यूल। अब सेकंड ये पूछा था सिलेक्ट द फर्स्ट प्रेफरेंस वैल्यू ऑफ द नॉर्मल मॉड्यूल, तो आपको जो भी नॉर्मल मॉड्यूल मिला है तो उसका आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? तो कि जो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है जो हमें मैंने आपको बोला था स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल हम कैसे सिलेक्ट करते हैं वो टेबल के हिसाब से, तो वो मैं देख बताऊंगा आपको कैसे करना है। कैलकुलेट द मेन डायमेंशन ऑफ द गियर तो वो कर लेंगे। एंड थर्ड स्पेसिफाई सरफेस हार्डनेस फॉर द गियर यानी BHN ढूंढना है एज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 2 फॉर वियर कंसिडरेशन। सो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट स्टार्ट करना है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। बीम स्ट्रेंथ हमेशा उल्टा स्टार्ट करो। नॉर्मल मॉड्यूल कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताता हूं। हमें क्या करना होगा, नॉर्मल मॉड्यूल नहीं दिया है तो आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। नॉर्मल मॉड्यूल तो हम कुछ ऐसा करेंगे बीम स्ट्रेंथ के ऊपर ही लेंगे, तो बीम स्ट्रेंथ हमें पता है MN B सिग्मा B इनटू Y, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये SB जो हमारा बीम स्ट्रेंथ है वो भी मॉड्यूल के टर्म्स में ले आएंगे यानी कुछ MN इनटू समथिंग ले और यहां पे भी MN इनटू समथिंग मिलेगा, फिर MN को सब्जेक्ट बनाएंगे और MN हम ढूंढ लेंगे। बस ऐसा ही लॉजिक यहां पे लगाना है। तो बीम स्ट्रेंथ MN B सिग्मा B Y, तो बीम स्ट्रेंथ MN हमें ढूंढना है, फेस विड्थ हमें 10 इनटू MN लेके चलना है, वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस मैंने बताया अल्टीमेट डिवाइडेड बाय 3 तो 750 डिवाइडेड बाय 3। अब लुईस फॉर्म फैक्टर कैसे ढूंढना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं रिवर्स काम करो ताकि आपको पता। तो लुईस फॉर्म फैक्टर मैंने बताया था आपको ZP डैश से ढूंढना है वर्चुअल टिट से, तो वो क्या होता है ZP अपॉन cos क्यूब sin, तो ये 24 ZP देके रखा है, sin हमको देके रखा है 23 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा 30.77। अब यहां से ज्यादा लोग है ना कंफ्यूजन में चले जाएंगे, सर हमने VB भंडारी में देखा, सर वहां पे कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाया था हमें समझ में नहीं आया। अरे बाबा वो इंटरपोलेशन मेथड है, मैथ्स में इंटरपोलेशन मेथड, आपको वो नहीं करना है रे, तुमको सिंपल यही देखना है, सिर्फ राउंड ऑफ करना है। आप क्या करो, आपको इमेज में दिख रहा होगा अभी हम जो स्पर गियर में करते हैं उसी तरीके का लुईस फॉर्म फैक्टर आपको टेबल दिख रहा होगा 20 डिग्री के लिए, तो आप देखो कि 30.77 आपको नहीं देके रखा होगा, तो कौन कौन सा देके रखा होगा, तो आपको जस्ट सिंपली देखना है कि मुझे एग्जैक्टली अगर 30.77 नहीं देके रखा है तो मेरे पास क्या वैल्यू है। तो चलो मैं भी यहां पे निकालता हूं ताकि आपको गाइड कर सकूं। तो 30.77 तो हमारे पास 30 का वैल्यू है दैट इज 0.358 और उसके बाद डायरेक्ट 32 आया, आप इमेज में देख रहे होंगे कि 30 के बाद डायरेक्ट 32 है, तो हमारा क्या है 30.77, तो हमें एज्यूम लगाना है 30.77 यानी 30 से ज्यादा, तो यहां पे 0.358 है, तो मैं काम करता हूं मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, तो 30.77 यानी 0.358 तो 30.77 अप्रोक्सीमेट करके 0.36 ऐसा ले सकता हूं, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन लुईस फॉर्म फैक्टर 0.36। समझ में, अप्रोक्सीमेशन ही करना है। अब मान लो कि तुम्हारा आ जाता, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम्हारा ZP डैश यहां पे 31 पॉइंट समथिंग आता, मान लो कि 31.88, तो मैं क्या कर लेता 32 देखता, 0.364 है थोड़ा कम ले लेता 0.363 ले लेता, है ना। सो यू हैव टू जस्ट अप्रोक्सीमेशन, उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है। तो यहां पे क्या है 30.77, तो मैंने टेबल में देखा कि 30 का 0.358 है, 31 नहीं है, तो 30.77 यानी 30 का 0.35 30.7 उससे ज्यादा, तो मैं आई कैन टेक 0.359 और 0.36, तो मैंने 0.36 के हिसाब से चला। तो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज द अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्लियर? ओके डन। तो हमें जो VB भंडारी में इंटरपोलेशन दिया वो यूज नहीं करना, तो यहां पे YB मिल गया 0.36। अब हमने इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो सारी हमने MN में कन्वर्ट कर दी, यस। अब हमें SB ये जो है उसको भी हमें MN में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां पे भी MN, यहां पे भी MN, फिर आप MN को सब्जेक्ट बनाओ आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां से कैसे लाए कुछ ऐसा, तो हमें पता है हाँ बीम स्ट्रेंथ क्या होता है, तो बीम स्ट्रेंथ होता है P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ सर वो सही है, तो P इफेक्टिव कैसे फाइंड करेंगे, तो सर P इफेक्टिव होता है CS अपॉन CV इनटू PT, सर्विस फैक्टर तो वो तो 1.5 देके रखा है, CV मिल जाएगा क्योंकि उसने डेटा में देके रखा था पिछला ही वेलोसिटी आपको 10 लेनी है, तो CV यहां पे फिक्स होता है 5.6 अपॉन 5.6 प्लस √V, तो CV मिल जाएगा 0.6391। ओके सर CV भी मिल गया, CS भी है CV, अब PT कैसे मिलेगा, तो हमें पता है PT क्या होता है 2T अपॉन DP, हां हां सर, तो उसके लिए टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, टॉर्क क्या होता है 60P अपॉन 2π × 10⁶, पावर हमें देके रखा है सर
2.5 किलोवाट, वो यहां पे डाल देंगे तो टॉर्क मिल जाएगा न्यूटन इंटू एमएम, ठीक है। तो ये न्यूटन इंटू एमएम हो जाएगा। अब पीटी हमें ढूंढना है, तो पीटी क्या करेंगे, 2 इंटू टॉर्क। अब डीपी नहीं है सर, क्या करे, डीपी को कैसे फाइंड करे। तो मैंने आपको डिजाइन प्रोसीजर में बताया था कि डीपी और डीजी कैसे ढूंढ सकते हैं। तो डीपी का क्या होता है, जेडपी एमएन अपॉन कॉस साइन, उसी तरह डीजी ढूंढना है तो क्या होगा, डीजी जेडजी एमएन अपॉन कॉस साइन। तो अभी हमें डीपी ढूंढना है, तो जेडपी हमें देके रखा कितना है 24, एमएन हमें नहीं देके रखा तो एमएन को मैं एज इट इज रखूंगा, कॉस साइन तो ये कॉस 23, साइन 23 है, तो ये आ जाएगा 26.073 इनटू एमएन। तो पीटी, तो अब पीटी हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे, 2 टी, ये लेना है 2, हमारे एज इट इज रखेंगे, टी को लिखेंगे 4774.64 अपॉन डीपी क्या है हमारा, तो 26.073 यहां पे रखेंगे, तो पीटी हमें मिलेगा एमएन के टर्म्स में, तो पीटी हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 366.25 अपॉन एमएन। अब बहुत इजी है, तो अब पी इफेक्टिव क्या है, सीएस अपॉन सीवी इनटू पीटी, सर्विस फैक्टर 1.5, सीवी कितना मिल गया हमें 0.63 रख दो, पीटी हमें कितना मिला है 366.25 इनटू एमएन, तो वो यहां पे डाल दो, तो पी इफेक्टिव कितना हो जाएगा 859.61 एमएन हो जाएगा, यस। अब बीम स्ट्रेंथ क्या होता है, पी इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 2 लेके रखा है, तो बीम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 859.61 एमएन इनटू 2। तो अब ये बीम स्ट्रेंथ जो मिला है एमएन के टर्म्स में, उसको आप यहां पे रख दो, तो यहां पे भी एमएन, यहां पे भी एमएन, तो चलो बीम स्ट्रेंथ मुझे जो एमएन के टर्म्स में मिला है, तो इस इक्वेशन में आप बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू डाल दे, तो कितना बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू है, तो 859.61 इनटू 2 अपॉन एमएन इक्वल्स टू, ये सारी चीजें उठा के एज इट इज। अब इसको सोल्व करो, अब बहुत सारे बच्चे होंगे उनको सोल्व करता भी नहीं आएगा, क्या करेगा, अब यहां पे एमएन एमएन है तो एमएन स्क्वायर हो जाएगा, और ये एमएन भी सामने चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एमएन क्यूब, और बाकी सारी चीजों को नीचे ले आओ, जो भी आंसर मिलता है उसका फिर 1/3 निकाल दो, तो आपको एमएन मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा 1.24 एमएम। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि आपको बोला स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो आप अभी टेबल देख रहे होगे इमेज में, तो आप देखो कि 124 के हिसाब से What will be my first choice of module? मेरे first choice में कौन सा 124 के बाद कौन सी value आ रही है? तो हमें according to design data, according to standard preference 1.24 के बाद हमें 1.5 दिख रहा है, तो I will take MN equal to 1.5 MM. तो अब ये लेके चलना है, अब MN मिल गया हमें, yes or no? अब MN मिल जाएगा तो face width भी मिल जाएगी, तो MN क्या होगा, B क्या होता है 10 MN, तो face width हमें मिल जाएगा, yes or no? So 1.5 multiply by 10 कर दो आप, तो face width हमारा हो जाएगा 15 mm, yes or no? Okay, beam strength क्या हो जाएगा? तो अब beam strength तो easy है, तो beam strength हमारा कुछ इस तरीके से आया था 859.61 into 2 upon mm, तो mm की जो value आई है 1.5 यहाँ पर डाल, तो beam strength आपको मिल जाएगा 2025 newton, उसी तरीके से PT मिल जाएगा, कैसे? तो PT का equation हमारा क्या आया था? What will be the PT? ये यहाँ पे था 366.25 अपन MN कितना है 1.5, जो स्टैंडर्डाइज किया वही लेने का, तो वो करो 1.5 से डिवाइड, तो PT मिल जाएगा, यस और नो? ठीक है, अब हमें ये सारी चीजें मिल गई, तो हमने पहला आंसर सोल्व कर दिया। अब बोल रहा है बकिंगहम मेथड का यूज करके P इफेक्टिव फाइंड करो। अब बकिंगहम में क्या करेंगे हम, सबसे पहले बकिंगहम मेथड में क्या होता है, सी एस पी टी प्लस पी डी, इफेक्टिव लोड होता है, सर्विस फैक्टर हमें देके रखा है, पीटी हमारे पास है, हमने ढूंढ लिया है। अब डायनेमिक लोड हमें ये यूज करना होगा फॉर्मूला 21V, अब वी भी हमारे पास है, तो V की वैल्यू हमें देके रखी है 10, हमें देख बोल के रखा था V आपको 10 लेना, तो वो भी है। चलो C डिफॉर्मेशन फैक्टर, तो ये आप टेबल देख रहे होगे हमें मटेरियल के हिसाब से, तो हमें न्यूमेरिकल के अंदर दोनों गियर स्टील के बने ऐसा देके रखा, तो स्टील के लिए डिफॉर्मेशन फैक्टर देखो C मिल जाएगा 11440, यस सर राइट। फिर एरर, तो एरर हमें, एरर के लिए हमें ग्रेड देके रखा है, तो आप देखो ग्रेड 4 के लिए आपको इमेज दिख रही होगी, उसमें एरर का वैल्यू क्या होगा 3.20 प्लस 0.25 ऐसा होगा, पर ये किस में आएगा, ये होता है यूनिट माइक्रोमीटर, याद रखना। और 5 की वैल्यू पर गियर में मैंने पढ़ाई थी, 5 क्या होती थी m प्लस 0.25 रूट डी, और हमें क्या लिखना है यहां पे हेलिकल में mn, m की जगह पे mn प्लस 0.25 रूट डी। तो अब कैसे ढूंढना है स्पर गियर में, ऑलरेडी मैंने समझा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले हमें क्या करना होगा, टोटल एरर क्या होगी आपकी, एरर ऑफ पिनियन प्लस एरर ऑफ गियर, तो पहले हमें एरर ऑफ पिनियन फाइंड करनी होगी, तो एरर ऑफ पिनियन फाइंड करनी है, तो यहां पे 5p चाहिए होगा, तो 5 की आएगा, नॉर्मल मॉड्यूल हमने ढूंढ लिया 1.5 0.25 अंडर रूट ऑफ डीपी चाहिए होगा, तो डीपी हमने ढूंढ के रखा है 26.073 लो, तो यहां पे 5 मिल जाएगा 4 पिनियन, तो वो 5 पिनियन की वैल्यू यहां पे डालो, तो एरर ऑफ पिनियन मिल जाएगा, यस और नो? अब हमें एरर ऑफ गियर ढूंढना है, तो एरर ऑफ गियर के लिए हमें 5g ढूंढना होगा, तो mn वही रहेगा 0.25, और हमें क्या चाहिएगा dg, तो उसी तरीके से जैसे हमने यहां पे dp ढूंढा, तो उसी तरह dg ढूंढ सकते हो, dg = zg
एमएन अपॉन कॉस साई, यस और नो मिल जाएगा आपको। ही बोलेंगे सर जेडजी तो हमें दिया नहीं होगा, पर बच्चे वेलोसिटी रेशियो देके रखा है ना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है जेडजी अपॉन जेडपी, यस और नो। तो वेलोसिटी रेशियो कितना है? 4। सो 4 इज इक्वल टू जेडजी अपॉन जेडपी। जेडपी कितना रह के रखा था? 24। 24 इंटू 4 करो आप कितना आएगा, तो जेडजी हो जाएगा आपका 24 इंटू 4। तो मुझे डीजी, तो डीजी क्या हो जाएगा, डीपी की जगह पे यहाँ पे लिख सकता हूँ डीजी, यहाँ पे डाल दो जेडजी। तो आपके पास जेडजी है 24 इंटू 4, एमएन ढूंढ के रखा है, कोस साई है, तो आपको डीजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे डीजी डाल दो तो 5G मिल जाएगा, उसी हिसाब से एरर मिलेगी, तो ईजी मिल जाएगा। ईपी प्लस ईजी करो तो आपको टोटल एरर मिलेगा। मैं क्यों फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इस पर गियर में किया, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तो ये आएगा 8.32 माइक्रोमीटर, यस और नो। अब माइक्रोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? एमएम में। सो दिस विल बी इंटू 10^-6 मीटर, पर मीटर से हमें एमएम में जाना है, तो इंटू 10^-3, तो ये आ जाएगा 8.3 × 10^-3 एमएम। तो अब वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो अब हमारे पास सी डिफॉर्मेशन फैक्टर है, एरर है, बी है कोस साई, साई हमें पता है साई कितना देके रखा है 23, पीटी हमने ढूंढ लिया है, सो पीटी भी हमारे पास है। सो ये सारी चीजें, तो हमें डायनेमिक लोड मिलेगा 1133.94 न्यूटन। तो अब हम पी इफेक्टिव मिल जाएगा, तो सर्विस फैक्टर 1.5 देके रखा है, पीटी है, पीटी डाल दो तो ये आएगा 1500.18 न्यूटन। ठीक है, अब हमें बोला था ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग फाइंड करें, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग, तो बीम स्ट्रेंथ अपॉन पी इफेक्टिव लेगा, बेंडिंग बोला है तो बीम स्ट्रेंथ लेना है। तो बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू कितना है? 2025। पी इफेक्टिव बकिंगहाम की मदद से लेके आओ, डिवाइड बाय 1500.18 करो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.35। सो ये डिजाइन हमारा सेटिस्फैक्टरी है। अब लास्ट में क्या बोला था कि अगर वियर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो बीएचएन फाइंड करें, तो वियर स्ट्रेंथ क्या होता था? BQDPK अपॉन cos स्क्वायर sin। अब मुझे पता है B है मेरे पास, Q क्या कर लूंगा, Q होगा मेरे पास 2 DG अपॉन DG प्लस DP या इंटू 2 इंटू ZZ अपॉन ZZ प्लस ZP। तो आप कर लोगे तो मैं यहां पे नहीं गिनने वाला हूं, DP हमारे पास है। अब देखो हमें ढूंढना है BHN ढूंढना है, तो K की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर डाल दूंगा। तो तुम बोलोगे सर हमें BHN ढूंढना है, तो W हमें पता होना चाहिए, तो W मिल जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। वियर स्ट्रेंथ क्या लिख सकते हैं? पी इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पी इफेक्टिव 1500.18, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें देके रखा था वियर के लिए, आप दो लो तो ये हो जाएगा 1500, ये इफेक्टिव था 1500.18 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 3000.36। तो वियर स्ट्रेंथ 3000.36, बी हमारे पास है Q2DG अपॉन DG प्लस DP, डायमीटर ऑफ पिनियन है हमारे पास, K की जगह 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर डाले, साइन हमारे पास है, तो BHN को सब्जेक्ट बनाओ आएगा 411.44। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप थोड़ा जल्दी लिया, क्योंकि इस पर ईयर में ऑलरेडी समझा, तो मैं टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैव अ नाइस डे। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको कैसे, अभी आपको नेक्स्ट मैंने जो बोला था ना हेरिंज बोन वाला, वो ट्राई करना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैव अ नाइस डे।